करने जा रहे हैं। और मंच पर जब मैं आया तो मुझे सौभाग्य मिला यहां पर इन मासूम बच्चों के अन्न प्राशन को संपन्न करने का। आप देख रहे होंगे कि बच्चे कितने निडर होकर के वे यहां पर मेरे सामने हंस रहे थे। आप मालूम कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर नए उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर वे बच्चे व्यक्त कर रहे थे जिनमें उनको पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश का हर बच्चा इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकता है जो देश के अंदर जहां कहीं भी जाएगा आज गर्व के साथ कह सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं। और मेरा जन्म उस समय हुआ था जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया किसने? उन लोगों ने जिन लोगों ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने गिरवी रख दी थी प्रदेश की स्थिति को, प्रदेश के विकास को, और देखते ही देखते देश का सबसे समृद्ध प्रदेश, सबसे विकृत प्रदेश के रूप में सामने आ गया था। देखते ही देखते यह उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में प्रभु राम ने कभी जन्म लिया था, जिस उत्तर प्रदेश में कभी भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जिस उत्तर प्रदेश को बाबा विश्वनाथ के पावन धाम को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और जिस उत्तर प्रदेश में मां गंगा गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक की सबसे अधिक दूरी तय करती है, उस उत्तर प्रदेश के अंदर गौरव की अनुभूति करने की बजाय एक समय उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। ये कौन लोग हैं भाइयों बहनों? ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण किया था और अपराधियों का राजनीतिकरण करके उन्हें सत्ता अधिष्ठान में काबिज होने का, विकास पर जबरन कब्जा, विकास की परियोजनाओं पर जबरदस्ती डकैती डालने की छूट दी थी। ये वही लोग हैं जो आज घड़ियाली आंसू बहाने के बहाने आपके पास आने का प्रयास करेंगे। आज मैं देख रहा था, मेरा कार्यक्रम पहले से कानपुर में है और मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा था। दो दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटित हुई और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी अपराधी होता है। और भाइयों बहनों, और मैंने